चाहता हूं शमीम भाई को, अल्लाह ताला इस फिल्म को बहुत बुलंदी पर लेके जाए और सभी लोग इसको बहुत लाइक करें, पसंद करें और दिल से शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक यू सर। शमीम भाई को बताता हूं क्योंकि शमीम भाई जो हैं वो खुद दबंग हैं और मैं आज से नहीं, हम लोग बहुत स्टार्टिंग के टाइम से साथ हैं। हाँ जी, तो हम लोग काफ़ी वक्त से साथ हैं और बहुत काम किया और इनका प्यार हमेशा साथ रहता कि शबाब भाई आना है और मैं आप लोगों के रूबरू हाजिर हो गया। तो मेरे अपने अंधेरे हैं, मेरे अपने पिटारे हैं, आज़ाद बाशिंदा हूँ मैं, अपने रब का बंदा हूँ मैं, हूँ दबंग 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 दबंग, मैं हूँ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, चुलबुल दबंग 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 दबंग। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। और संतोष जी ने बहुत अच्छा किया है, हमारे प्रोड्यूसर ने उसको अच्छा करने में बहुत मदद की है, नासिर भाई ने हमको वहाँ बहुत हेल्प किया है लखनऊ में, विवेक तो जान है, अगर विवेक नहीं होता तो शायद हम लोग पूरा कर ही नहीं पाते, और कुमार भैया जो हैं उनका हाथ नहीं हो तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं, और हमको सजाने में, हमको दिखाने में प्रमोद जी ना होते तो हम कुछ ना कर पाते। और दिनेश जी, समीम जी, अमरपाली जी, इनके लिए क्या बोले, ये सब तो हैं तो हम सब हैं। कुमार सर, आपसे हम क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर? देखिए, ऐसा है कि वसीम भैया और शमीम भैया बहुत ही रेगुलर फिल्में बना रहे हैं, काफ़ी समय से बना रहे हैं, अच्छी फिल्में बना रहे हैं, पर्पजफुल फिल्में बना रहे हैं, और रेगुलर फिल्म बनाने के अलावा फिल्में जो बना रहे हैं साफ़ सुथरी फिल्में बना रहे हैं, अच्छी फिल्में, मतलब बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी होती हैं, आर्टिस्ट लास्ट फिल्म से और अच्छा हो रहा है, केवल लास्ट में खेसारी जी थे, इस वक्त दिनेश जी हैं, और मेकिंग में भी बड़ी ग्रैंड फिल्म है, तो ये डेफिनेटली पूरा ध्यान करते हैं, म्यूज़िक में हर चीज़ों में ध्यान करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि भाई ऐसे प्रोड्यूसर्स की हमें बहुत ज़रूरत है, एंड इतने प्यार से फिल्म बनाते हैं ये, और उसी लगन से, प्यार से, मोहब्बत से, तो मुझे ये लगता है कि भाई बस वसीम भैया और समीम भैया का जो बैनर है इसके फिल्म्स का झंडा ऊँचा रहे, ऊँचा रहेगा। सर, बायोपिक एक्चुअली भोजपुरी में पहली फर्स्ट बायोपिक फिल्म है, और ये बिहार के ही एक, मतलब बहुत अच्छे इंसान थे, बाहुबली इंसान थे, और मतलब उनको एक होता है कि पॉलिटिशियन भी थे और सबके लिए, मतलब चाहे गरीब या अमीर, सबके लिए ना उनका एक ही नेचर कि मतलब बस हमें अच्छा करते जाना है, सच्चाई के लिए लड़ना, हक के लिए लड़ना, हक के लिए लड़ना है, लोगों को इंसाफ दिलाना, बस उन्हीं के जीवन पे ये फिल्म बनी है और बहुत अच्छी फिल्म बनी है। और हम लोग पॉजिटिव हैं, हम हक के लिए नहीं, हम खुद के लिए लड़ रहे थे, स्वार्थी हैं हम लोग। टाइटल भी बड़ा बहुत ही शानदार है, सिकंदर का सिकंदर। और वाकई दिनेश जी उसमें मुकद्दर के सिकंदर ही हैं, अपनी मुकद्दर से ही हम सबको हरा के आगे निकले, हम सबको छोड़ के पीछे आगे निकले हैं, धनी है मुकद्दर का, धनी है मुकद्दर का सिकंदर ही। थैंक यू। पहले तो मैं सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूँगी, आप सभी को नया साल मुबारक हो, और आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और खुशियां लेकर आए। और जहाँ तक बात है कि मुकद्दर का सिकंदर, तो ऑफकोर्स ये बहुत अच्छी होगी, अभी तो मैं देखी नहीं हूँ, और भोजपुरी इंडस्ट्री से मेरा लगाव ये है कि मैं खुद, मेरा जन्म जो हुआ है वो बिहार में हुआ है, तो मैं बहुत क्लोज़ हूँ,
भोजपुरी इंडस्ट्री से और इतना तरक्की कर रही है, इतना अच्छा काम कर रही है, इतना आगे जा रही है, तो मुझे बहुत खुशी होता है देख करके एक्टर्स सभी। और मैं अभी और भी ज़्यादा इसको इंटरनेशनल लेवल तक देखना चाहूँगी कि और अच्छा काम करे और इंटरनेशनल लेवल तक अपना नाम बनाए, तो मुझे और भी ज़्यादा बहुत खुशी होगी। और एक्टर्स सभी बहुत अच्छे हैं, मतलब जैसा कि मनोज तिवारी तो अभी MP बन गए, निरहुआ और जो भी हैं एवरीवन, आई रियली लाइक। फिल्म तो मैं देख नहीं पाती भोजपुरी क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता है, हिंदी भी नहीं देख पाती हूँ, तो भोजपुरी का मुझे याद भी नहीं लास्ट फिल्म मैंने कौन सी देखी होगी। बट जिस तरह से कि खबर में चर्चित रहता है, बहुत अच्छा लगता है देख के कि इतना तरक्की कर रही है, इतना नाम कर रहा है, यूपी बिहार का नाम रोशन हो रहा है। तो मैं खुद कभी एक बार करना चाहूँगी भोजपुरी में अपने यूपी और बिहार के लिए कुछ, अभी नहीं थोड़े टाइम के बाद। मैम आप बताइए क्या यार, जैसे मैं भी भोजपुरी से मतलब इतना नहीं है, बट मेरा इस करियर का फर्स्ट प्रोजेक्ट ही भोजपुरी था, इसलिए अभी अटैचमेंट है और अभी मैंने स्टार्ट भी किया है, अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी हमारा एक भोजपुरी है, तो सारी चीज़ें मैं एक साथ लेके चलना चाहती हूँ कि हिंदी भोजपुरी या अदर हॉलीवुड, सारा मतलब काम के पर्पज़ से मैं सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलती हूँ। मैं इससे पहले इवेंट में गई हूँ वासिम सर के, तो लॉन्चिंग था, आई, अच्छा लगा, काम भी अच्छे लोगों ने किया हुआ है, अभी देखूंगी तो रिजल्ट और अच्छा लगे, देखने के बाद ही एक्चुअल पता चलेगा, वही है। बाकी मुकद्दर का सिकंदर कुछ तो करेगी, कुछ तो नया करेगी। फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया जा रहा है ये मामला, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी टीम बधाई की पात्र है, क्योंकि भोजपुरी में अब तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन इस जॉनर का पहली बार किया जा रहा है, तो पहली बार करने वाले को चाहे कोई भी काम हो सलाम है, क्योंकि वो एकदम ऐसा कदम होता है कि जिसके बाद फिर बुनियाद रखी जा सकती है, एक हिस्ट्री रची जा सकती है। तो मुकद्दर का सिकंदर की पूरी टीम को, शमीम भाई को, वसीम भाई को, पांडे साहब को, निरवा जी को, अमरपाली जी को और तमाम टीम से जुड़े सभी को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं कि ये मुकद्दर का सिकंदर बहुत हिट हो जाए और मुबारक हो जाए इनका नया साल 2020, कम से कम 20-20 करोड़ तो कमाए। ऑल द बेस्ट। सबसे पहले तो सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरा नाम ब्रजेश पॉल है, और बाकी सर मैं अखिलेश शुक्ला, और इस फिल्म में, और ये अशफाक जी हैं, और इस फिल्म में जो मेरा किरदार है वो दिनेश जी के साथ का है, दिनेश जी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, और बाकी अशफाक जी का भी जो किरदार है वो दिनेश जी के साथ का ही है, और इनका किरदार कुछ अलग है वो आप बताएं। मेरा भी दिनेश जी के साथ का है, लेकिन किरदार अलग ये है कि वो एक जगह मिलते हैं हमसे और हमको अपना दोस्त बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग की कहानी चलती रहती है जी। बहुत अच्छा लगा दिनेश जी के संग काम करके, संतोष जी इसके डायरेक्टर हैं, समीम भैया इसमें हीरो हैं, बहुत बहुत थैंक यू। अशफाक आपको कैसा लगा, आपने पहले भी निरहुआ के साथ फिल्म की? हाँ सर, आई थिंक मेरा चौथी फिल्म है दिनेश जी के साथ, दिनेश जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है मुझे, और इस फिल्म में तो और बहुत अच्छा लगा, द फर्स्ट बायोपिक फिल्म इन भोजपुरी, मुकद्दर का सिकंदर। उम्मीद है कि मतलब आप सब देखने आएंगे और अच्छे से, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि इस फिल्म की जो लिखाई है वो बहुत ही रियलिस्टिक है, बहुत ही रियल वे में लिखी गई है, तो करते वक्त उतना ही मज़ा आ रहा था जितना ये रियलिस्टिक लिखी गई है, करने में थोड़ा डिफिकल्ट भी था और मज़ा तो खैर काफ़ी आ ही रहा था करने में, तो बहुत ही रियलिस्टिक है, और ऐसी फिल्में भोजपुरी में बहुत ही कम है, गिनी चुनी है, तो उनमें से ये एक फिल्म है जो अलग है काफ़ी, और दिनेश सर का तो खैर है ही किरदार इतना अच्छा, और वो करते भी हैं, तो हर समय दिनेश जी का सपोर्ट रहता था, जब भी हम लोग कुछ काम करने जाते थे तो वो बिल्कुल सिखाते थे कि ये चीज़ ऐसे होना चाहिए। दिनेश जी की सबसे अच्छी बात ये है कि सामने जो भी एक्टर रहता है उन्हें बहुत ही कंफर्ट कर देते हैं, वो बहुत ही सहज और बहुत ही कंफर्टेबली उनको सीन निभाने का मौका देते हैं, करने का मौका देते हैं और समझाते हैं, सिखाते हैं, तो सेट पे जब सीन शेयर करते हैं दिनेश जी के साथ तो ये लगता नहीं है कि वो जुबली स्टार है, वो बहुत स्टार है, सुपर स्टार है, ऐसा लगता नहीं है, वो बहुत ही कम्फर्ट करवा के हम लोगों से सीन करवाते थे, और बहुत सीखने को मिला उनसे बहुत ज़्यादा। थैंक यू।